दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप से GTA 5 गेम खेलने के टाइम पे कीबोर्ड का कौन सा बटन क्या क्या काम करता है, GTA 5 गेम को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे दोस्तों GTA 5 गेम का जो मोबाइल है उसी मोबाइल को कैसे आप चला सकते हो, कीबोर्ड का कौन सा बटन से आप चला सकते हो, कीबोर्ड का कौन सा बटन से मोबाइल का जो कैमरा है कैसे आप ऑन कर सकते हो, कैमरा को कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, फोटो को सेव कर सकते हो, इसके साथ साथ GTA 5 गेम का जो कार है कार को कैसे अपने चला सकते हो, और इसके साथ साथ जो भी गेम कंट्रोल कैसे आप किया जाता है क्यों कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से GTA 5 गेम को A to Z फुल डिटेल हम बताएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ GTA 5 गेम को बैक कैसे किया जाता है, GTA 5 गेम को ऑफ कैसे किया जाता है ये भी बताया हूं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड लोगों को GTA 5 गेम तो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन वहां पर बैक कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं ये भी प्रॉब्लम दिखा गया, तो ये भी बताया हूं इस वीडियो में। अगर अपने फर्स्ट टाइम GTA 5 गेम को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में खेल रहे हो तो कौन सा बटन कीबोर्ड का कौन सा बटन क्या क्या काम करता है, गेम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, काफी आराम से आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसान से आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राकेश, आप देख रहे हैं स्टार्ट गुरु यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है फ्रैंक लिंक और इसका रूम है ये, और यहाँ पर वो रात में सोता है जबकि यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं बात करूँगा यहाँ से कौन सा बटन से क्या क्या काम करता है कीबोर्ड का। तो देखिए अगर अपने W प्रेस करेंगे तो GTA 5 गेम ये तो सामने जाएगा, ये तो बेसिक कुछ सेटिंग है मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ और भी काफ़ी सारा सेटिंग है मैं आपको दिखाऊँगा। तो W से सबसे पहले तो ये सामने जाएगा और S से पीछे आएगा और D से राइट साइड जाएगा और A से लेफ्ट साइड जाएगा। टोटली ये हो गया टोटली इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसमें कार चलाने का और इसमें और भी काफ़ी सारा जो कि फोन्स वगैरह आता है मैसेज वगैरह चेक करने के लिए, तो देखिए मैसेज को अगर आपको कॉल करना है GTA 5 गेम पे तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में ये जो 3 बटन आप देखने को मिल रहा है तो इसी 3 बटन को आपको प्रेस करना है और आपके जो मोबाइल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मोबाइल के काफ़ी सारे फ्यूचर भी आपके साथ यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आपने क्लिक करेंगे कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट में कुछ नंबर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप स्क्रॉल करें माउस के ये जो स्क्रॉल वाला बटन है इसको आप क्लिक करके स्क्रॉल करके काफ़ी सारा इनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनको आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए जिसको आपको कॉल करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर माउस के लेफ्ट वाला बटन है इसको आप दबा दीजिए और टोटली कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से अपने GTA 5 गेम पे किसी के साथ कॉल कर सकते हो, मोबाइल को आप यूज़ कर सकते हो। कॉल को कट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो माउस के लेफ्ट वाला राइट वाला बटन को प्रेस कीजिए, टोटली कॉल कट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से दोबारा ये जो एरो वाला बटन है एरो वाला बटन से अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हो। यहाँ से मोबाइल में और भी काफ़ी सारे फीचर है, आपको कैमरा भी ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे दोस्तों अगर आपको कैमरा को ऑन करना है तो माउस के ऐसा करके आपको यहाँ पर आपको आ जाना है स्क्रॉल करते करते, तो यहाँ पर आ जाना। चलो मैं बाहर पे जाता हूँ, बाहर पे जाके मैं कैमरा को ऑन करके आपको इसके फ्यूचर के बारे में आपको बता देता हूँ। और तो सबसे पहले मेरे को बाहर जाना है। अगर आपको मान लीजिए आपको बहुत ही धीरे धीरे आप जा रहे हो तो आपको दौड़ लगाना है, तो W कीबोर्ड का W वाला बटन को प्रेस करेंगे और शिफ्ट वाला बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी दौड़ने लगेगा, जबकि यहाँ पर देख सकते हो टोटली दौड़ रहा है। तो शिफ्ट और W वाला बटन से दबाते ही ये दौड़ लगाएगा। आखिर मान लीजिए अगर आपको किसी को भी आपको फ़ोटो उठाना है, ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो वाला ऑप्शन पर आया हूँ और यहाँ पर बारिश भी शुरुआत हो चुका है, बारिश हो रहा है, देखो भाई GTA 5 में बारिश भी हो रहा है। चलो मैं एक जैसे मान लीजिए इसको ही मैं फ़ोटो उठाता हूँ, चलो मैं इसी घर के अंदर से थोड़ा क्या हो रहा है मैं इसको फ़ोटो नहीं बाहर में मैं फ़ोटो उठाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको ही फ़ोटो उठाता हूँ, चलो ये नहीं ये कुछ नहीं बोलेगा। चलो तो अभी मैं इसमें टच किया हूँ, माउस के लेफ्ट क्लिक किया हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है। ठीक है, और जूम करने के लिए यहाँ पर माउस के जो बटन है इसको आपको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऐसे ये जूम भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी को फ़ोटो उठाना है तो फ़ोटो उठाने के लिए माउस के लेफ्ट वाला बटन को टच करेंगे तो ये फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर हो चुका है। अभी अब इसी फ़ोटो को सेव करने के लिए दोबारा अपने कीबोर्ड का इंटर वाला बटन पर दबाएंगे, इंटर कीबोर्ड का इंटर वाला बटन पर अगर अपने दबाएंगे तो ये टोटली फ़ोटो जो कि आपके सेव हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से अपने टोटल कैमरा को भी यूज़ करो। अगर आपको एग्जिट करना है, ठीक है, तो बाहर कैसे आएंगे? बाहर आने के लिए फिर सिंपली दोस्तों आपको माउस के राइट वाला बटन को दबाएंगे दो बार, तो ये टोटली आप मोबाइल से बाहर आ जाओगे। अगर आपको किसी को मारना है तो आप सिंपली कैसे मारेंगे? तो मारने के लिए देखिए, एक लड़का वहाँ सब आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैं अगर आपको मारना चाहिए तो कैसे मारेंगे? तो माउस के आप राइट लेफ्ट वाला बटन को दबाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे यहाँ पर मारा हमने, तो ये भाग गया, ठीक है। तो ऐसा करके मार सकते हो, मुक्का मार सकते हो। अगर आपको मुक्का मारना है तो माउस के राइट क्लिक करना है, तो आप काफ़ी आराम से अपने मुक्का मार सकते हो। अगर आपको मान लीजिए कोई भी कार आपको लेना है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी कार लेना है, तो मैं अपना घर पे जाता हूँ, जैसे ये फ्रैंकलिन का घर है, तो यहाँ पर देखिए कार है, तो कार पे आपको घुसने के लिए, कार पे के अंदर आपको जाने के लिए कीबोर्ड का एप जो बटन है, एप वाला बटन का अगर आप प्रेस करेंगे तो कार के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक कार वहाँ पर किसने रखा है पता नहीं, शायद हमारा ही होगा। तो यहाँ पर गाना भी शुरू हो चुका है। गाना अगर आपको बंद करना है, ठीक है, तो कीबोर्ड का क्यू वाला बटन को प्रेस कीजिए। क्यू वाला बटन को जैसे आपने पकड़ के रखेंगे तो यहाँ पर देखने काफ़ी सारा जो कि आपको चैनल यहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप रेडियो को स्टॉप भी कर सकते हो। वैसे भी यहाँ पर रेडियो का काफ़ी सारा चैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जबकि आप यहाँ से आप टोटली घुमा सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर बंद कर दूंगा, कोई रेडियो को ऑफ कर दूँगा। तो कार में बैठने से ही आपको रेडियो जो कि ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप चाहेंगे तो कॉपीराइट इशू की वजह से आप टोटली आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हो कीबोर्ड का बटन को दबा के, ठीक है। अभी कार को कैसे चलाएंगे तो कार तो सिंपल है दोस्तों, की जो भी आपने कीबोर्ड का डब्ल्यू वाला बटन को प्रेस करेंगे और डी वाला बटन को प्रेस करेंगे राइट साइड जाएगा, और ए वाला बटन से लेफ्ट साइड जाएगा, और एस वाला बटन से पीछे आएगा। ये सिंपल है दोस्तों। और पर आपको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए आपको ऐसे डब्ल्यू वाला बटन को दबाएंगे और स्पेस, अगर आपने स्पेस वाला बटन को दबाएंगे तब भी ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वैसे तो अगर आपने कीबोर्ड का एस वाला बटन को दबाएंगे तब भी ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तब भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक का अगर आप सबसे अच्छा यही होगा, ब्रेक के लिए आप स्पेस वाला बटन को भी दबा सकते हो और एस कीबोर्ड का एस वाला बटन को भी दबा सकते हो, ठीक है, तब भी ये ब्रेक का काम करेगा, अच्छी से ब्रेक का काम करेगा कार में अगर आपने चलाया हो GTA 5 गेम पे, ठीक है। अभी अब बात करता है मैप को, मैप को कैसे आपको देखना है, ठीक है। तो कीबोर्ड का आप यहाँ पर जो ESC कीबोर्ड का ESC जो बटन है, इसकी बटन का अगर आप प्रेस करेंगे आपकी जो मैप है ये मैप टोटली ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर आपको जाना है, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको भी यहाँ पर सैलून की दुकान में आपको जाना है, या तो आपके जो कार है बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसी कार को लेकर आपको किसी भी गैरेज में आपको जाना है, तो आपको यहाँ पर आपको टच करना है जो भी आपको जहाँ पर आप जाना चाहते हो, जैसे कार वॉश वाला सेंटर में, तो यहाँ से भी आप टोटली आप जो भी जहाँ पर जाना हो वो भी आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, सेफ हाउस सिमरन जहाँ पर आप जाना तो वहाँ पर आप टच कीजिए। तो इसी गैरेज में हम दो बार टच करेंगे, और यहाँ पर टच करने के बाद टोटली यहाँ पर आके टोटली यहाँ पर आपको टच करना पड़ेगा। तो जैसे आपने टच करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रूट जैसा बन जाएगा, आपके मैप के अंदर एक रूट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे में सुविधा यही होगा कि आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कहाँ से जाना है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक लाइन जैसा बन चुका है जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैप का यूज़ आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर बारिश हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो, और मेरे को देखिए यहाँ पर रूट में एक ऑलरेडी दिखा दे रहा है कि मेरे को कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये बहुत एक सुविधा होता है अगर आपने इस तरह से किसी भी जगह पे जाते हो तो बहुत ही सुविधा। और वैसे भी अगर आपके जो भी आप जहाँ पर जाना चाहते हो वो जगह अगर आपको ऑलरेडी आप पहचानते हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको मैप को ऐसा करके देने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप जा सकते हो। फिलहाल इस तरह से काफ़ी आराम से अपने किसी भी जगह पर आप जा सकते हो। इस साइड में बहुत ही ज़्यादा बारिश आप देख सकते हो, तो हमेशा ट्राई कीजिए थोड़ा सिग्नल मान के जाने का कोशिश कीजिए। तो मेरे को अभी इतना ऐसा सिग्नल तोड़ के जाऊंगा तो पुलिस तो मेरे को पकड़ेगा ही। तो ये पुलिस देखिए किसको पकड़ने के लिए जा रहा है। ओ माय गॉड, देखिए पुलिस के गाड़ी में मैंने मार दिया, अभी पुलिस देखो मेरे को गोली मार रहा है।
देखो कैसा पुलिस है, देखो मैंने हलचल मचा दिया गाइस। पता नहीं पुलिस टोटल यहाँ पर रेड सिग्नल हो चुका है। सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हो। जैसे कि ओ माय गॉड, मेरे को बहुत ही जल्दी जल्दी ओ माय गॉड, यहाँ पर नहीं ओपन होगा क्योंकि पुलिस आ चुका है ना, तो इसलिए यहाँ पर ओपन नहीं होगा। टोटली मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुका है, मेरे को तुरंत यहाँ पर भागना पड़ेगा दोस्तों। मैं तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ या तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ नहीं तो नहीं हो पाएगा। लॉस सैंटोस पे तो देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर कैसे भाग गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ। वैसे भी यहाँ पर शायद पुलिस नहीं आ रहा है। देखो मेरा, मैं वहाँ से चला आया हूँ, अभी थोड़ा मैं पार्किंग कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, पुलिस भाग चुका है, पुलिस अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से जो भी कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से इस तरह से आप काफ़ी आराम से GTA 5 गेम को आप कंट्रोल कर सकते हो। जो भी बेसिक सेटिंग था मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ बहुत ही आराम से अपने GTA 5 गेम आप गेम प्ले कर सकते हो अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से। और भी काफ़ी सारे सेटिंग है, जैसे कि दोस्तों अगर अपने कीबोर्ड का अल्ट वाला बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे जो आप ऑनलाइन डायरेक्टली यहाँ पर अगर अपने छोड़ देंगे यहाँ पर माउस को साइड से ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पर अगर अपने छोड़ देंगे तो टोटल आपको ऑनलाइन पे आप खेल सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर ऑनलाइन पे नहीं खेलूँगा, इसको मैं नो कर देता हूँ। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपको कंट्रोल वाला बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड का कंट्रोल वाला, इसको आपको सबसे पहले बाहर आ जाता हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर बाहर आ चुका हूँ, अभी थोड़ा सा सामने जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल वाला बटन को प्रेस करते ही आपको क्या होता है। तो कीबोर्ड का अगर अपने कंट्रोल वाला बटन को प्रेस करेंगे तो ऐसा ही जो कैरेक्टर है थोड़ा झुक जाएगा, थोड़ा आपको साइड में आ जाना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हो। तो इसलिए तो यहाँ पर आपको कंट्रोल वाला बटन से झुक सकते हो। और यहाँ से अगर आपको दूर से देखना है तो आप यहाँ पर सी कीबोर्ड का सी वाला जो बटन है, सी वाला बटन को प्रेस करेंगे तो टोटल आप सामने से भी देख सकते हो, पीछे से ऐसे करके भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको टोटल आपको रोटर नहीं होना पड़ेगा, टोटल ये खुद आप टोटल आपके कैरेक्टर के जो एंगल है, एंगल के साइड से आप टोटली देख सकते हो। सी वाला मतलब सामने से आप देख सकते हो, कैरेक्टर का सामने आप देख सकते हो सी वाला बटन को कीबोर्ड का, ठीक है। और यहाँ पर वी वाला जो बटन है कीबोर्ड का, जो वी वाला बटन है, वी बटन बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो कैमरा जो कि आप थोड़ा ऊपर से आप देख सकते हो, थोड़ा सामने से टोटली देख सकते हो, और भी थोड़ा सामने से देख सकते हो, उसके बाद और भी थोड़ा पीछे से देख सकते हो। वी वाला बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड का वी वाला बटन को, और एक बार वी वाला बटन को प्रेस करो, देखिए और भी थोड़ा दूर से मैं देख रहा हूँ, तो और एक बार वी वाला बटन को तो एकदम सामने से देख रहा हूँ। तो इस तरह से आप वी वाला बटन को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें अगर GTA 5 गेम को अगर आपको बैक करना है, बंद करना है, तो कैसे आप बंद कर सकते हो। GTA 5 गेम को बंद करने के लिए अपने कीबोर्ड का जो होम वाला बटन है, होम वाला बटन को प्रेस कीजिए। होम वाला बटन को प्रेस करने के बाद सिंपली आप होम वाला बटन को जैसे हमने प्रेस किया तो यहाँ पर ऊपर में ये जो सेक्शन पेज है, पेज ओपन हो गया। तो अभी आपको गेम को बंद करने के लिए यहाँ पर आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, सिंपली सेटिंग वाला ऑप्शन में आपको टच करना है। और यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हो टोटल गेम पे बैक हो सकते हो। और यहाँ पर कुछ सेटिंग भी आपको देखने को मिलता है, मैसेज आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर गेम को बंद करूँगा और इसलिए क्विक गेम पे हम टच करेंगे। क्विक गेम पे टच करने के बाद यहाँ पर और एक बार यस या नो पूछा जाएगा। तो मैं और एक बार यस में टच करता हूँ, और एक बार नीचे और एक बार यस में क्लिक करूँगा
और टोटली फाइनल यहाँ पर GTA 5 गेम यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस सबसे अपने कंप्यूटर कीबोर्ड माउस से GTA 5 गेम आप कंट्रोल कर सकते हो, GTA 5 गेम को आप बंद कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, और भी कुछ भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।